हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगुकिया, प्रैक्टिसिंग आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स इन सूरत एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बताने वाली हूँ वह है पैसे पैसे प्रोसीजर क्या है और इसका क्या महत्व होता है आईवीएफ में। सो बेसिकली पहले तो मैं बताने वाली हूँ कि टैसे यानी कि TESA, पैसे यानी PESA, यानी टेसे यानी TESE। सो टैसे का फुल फॉर्म होता है टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। सो टेस्टीज में से यानी कि जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी विस्तारित रूप से एक मेरे पहले के जो वीडियो है उसमें समझाया हुआ है। जो भी पेशेंट्स हैं जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, यानी कि जिन पेशेंट में वाजेक्टमी हुआ है यानी कि फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है, या तो कोई पेशेंट है जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या तो टेस्टिस यानी कि स्पर्म को बाहर आने का जो रास्ता है उसमें से कोई भी लेवल पे अगर ब्लॉकेज है, तब इन पेशेंट्स में टैसे पैसे प्रोसीजर से हम लोग स्पर्म रिट्राइव कर सकते हैं और आईवीएफ की ट्रीटमेंट से उनको प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रिजल्ट मिल सकता है। सो आइए अब बताती हूँ कि टैसे यानी कि टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, यह जो प्रोसीजर है वह जनरल लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है और टेस्टिस का बायोप्सी जैसे लिया जाता है और इसमें जो क्वांटिटी ऑफ जो स्पर्म्स मिलते हैं वह थोड़े कम क्वांटिटी में होते हैं, बट जब हमको कंफर्म करना है कि प्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो यह मेथड से हम वह कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा है कि पैसे यानी कि पर क्यूटेनियस एपिडिडिमल स्पर्म एस्पिरेशन, यानी जो एपिडिडिमस है वहाँ से एक छोटा सा नीडल लिया जाता है और वह नीडल की हेल्प से जो एपिडिडिमस है वहाँ पे पंचर किया जाता है और जो स्पर्म्स है उसे रिट्राइव किए जाते हैं। और यह प्रोसीजर भी लोकल एनेस्थीसिया के अंदर की जाती है, इट इज़ अ ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ TESE यानी कि टेसी। सो यह जो प्रोसीजर है दैट इज़ अ टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, यह प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है और इस प्रोसीजर में जो टेस्टिस है उसमें से काफ़ी बड़ा चंक लिया जाता है ताकि मैक्सिमम हमें स्पर्म मिल सके। अगर स्पर्म प्रेजेंट है तो यह जो स्पर्म्स हैं उसको आईवीएफ या तो इक्सी की प्रोसीजर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो जो स्पर्म्स हैं उसे हम फ्रीज कर सकते हैं और बाद में जब भी पेशेंट का आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करते हैं तब यह जो फ्रोजन स्पर्म है उसको लेकर हम आईवीएफ या तो इक्सी की प्रोसीजर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जिनका भी रिपोर्ट अगर एजोस्पर्मिया आया है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टैसे पैसे या तो टीसे प्रोसीजर की मदद से और साथ में ही आईवीएफ या तो इक्सी प्रोसीजर के द्वारा रिजल्ट मिल सकता है। सो घबराए नहीं, किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इनको यह वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनके माइंड में, क्योंकि यह जो प्रोसीजर है काफ़ी लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहती है कि मैम ये प्रोसीजर कैसे की जाती है, तो आप ज़रूर से आपके कोई नियर डियर हैं जिनको ऐसा कोई कन्फ्यूजन है और उनको आवश्यकता है ऐसी कोई प्रोसीजर की, तो उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हो। आपको इस टॉपिक के रिलेटेड यदि कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें, हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सवाल के जवाब के साथ हम वापस आए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।